युवा मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अकबर अंसारी जी से आग्रह करता हूं कि तो बात रखेंगे अपने आज धनबाद की धरती कोविंदपुर के डाक बंगला में उपस्थित जेबीकेएसएस के सुप्रीमो बड़े भाई टाइगर जयरामदा और युवा मोर्चा के केंद्र अध्यक्ष कोसदा और बाकी जितने भी हमारे केंद्र के सदस्य हैं और धरकन पासे से आए हुए सभी जेबीकेएसएस के साथियों को हमारे ओर से सबसे पहले झारखंडी जोहार सलाम करते हैं। मैं संताल परगना के जामतला जिला से हूँ। ऐसे तो जामतला जिला काफी फेमस है, यहाँ बोलना भी नहीं चाहिए था लेकिन लग रहा है कि बोल रहे हैं। आज जो युवा मोर्चा का महासम्मेलन है इसका मुख्य कारण यह है कि जिस तरह से युवा साथियों ने उस महतो के नेतृत्व में युवा लोकसभा में मेहनत किए, रात दिन एक कर दिए, उसी को लेकर के भले ही हम लोग लोकसभा में हमारे जो 8 प्रत्याशी थे उनको हम लोग नहीं पहुंचा पाए लोकसभा के आवास तक, लेकिन आप लोग सभी युवा साथी के मेहनत से के चलते आज झारखंड के 8 लाख युवाओं और जनता के दिलों तक पहुंचने का काम किए, जिसका असर आज जेबीकेएसएस का यहां तक है कि सभी झारखंडी का नजर जयराम माधव के ऊपर है, जेबीकेएसएस के ऊपर है। इसलिए मैं सभी युवा साथी से कहना चाहते हैं कि आप समय आ गया है जो झारखंडियों को हक अधिकार के लिए लड़ने के लिए वो 2024 का विधानसभा में और भी मेहनत लगाना होगा, सब कोई एक मजबूती के साथ मेहनत करना होगा। अपना जो पंचायत में पंचायत अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, सब कोई अपना अपना स्तर से एकदम मेहनत करे, कोई मन मोटाव नहीं करे। अगर जयराम का नेतृत्व में अगर नया झारखंड का देखना चाहते हैं तो सब कोई एक होकर के मजबूती के साथ जेबीकेएसएस को आगे पहुंचाने के लिए काम करे। आज जयराम का सबसे पहले जब 2022 में गए थे जमतला जिला झारखंड के संताल परगना में, उस समय एक छोटा सा समारोह में पहुंचे थे, उसी समय हमसे भेंट हुआ था। उस समय जेबीकेएसएस जलाकम कुछ नहीं हुआ था, उसी समय से हम लोग लगे हुए हैं। उस समय जब धनबाद और बोकारो में ही इसका चर्चा था तो विपक्षी पार्टी यही कहते थे कि जयराम का जो ये आवाज़ है ये आंधी सिर्फ धनबाद और बोकारो में ही रहेंगे। मैं आज धनबाद के धरती में इस सभा के माध्यम से मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि नजरिया उठाकर देखिए संताल परगना में, वहाँ भी जय जयकार जयराम का ही नाम चल रहा है। पूरा संताल परगना जयराम का विचार से एक एक करके जुड़ रहे हैं। अभी मुझे लगता है कि 18 जो विधानसभा है, 6 लोकसभा है और 3 लोकसभा है, 6 जिला है, उसमें से इसे कोई भी जिला या विधानसभा नहीं है कि जयरामदा के लिए मजबूती के साथ आदमी नहीं खड़ा है। भले ही जयरामदा हम लोग लोकसभा का समय लेके गए थे लोकसभा दूंगा, बाकी संताल परगना में इनका सभा नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग विधानसभा से पहले संताल परगना में सभा करें, वहाँ भी आपका इंतजार जिस तरह आपको धनबाद और बोकारो में कर रहे हैं उसी तरह संताल परगना में भी आपका नजर गवाए हुए है कि जयरामदा किस तरह आएंगे। हम जामतला विधानसभा से प्रखंड विस्तार कर चुके हैं, पंचायत का देख कर चुके हैं। हम अपना जामतला विधानसभा का बात कर रहे हैं तो 53 पंचायत में लगभग 22 पंचायत का विस्तार हो चुके हैं। कहीं भी जाते हैं हम लोग को जाने से पहले 100-150 आदमी बैठे रहते हैं, सब कोई यही कहते हैं कि जयरामदा का यहाँ लाने का काम करे। जयरामदा के साथ हम लोग पूरा एक साथ है और वो बिना पैसा बिना लोग लिए ये भी किसी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं जयरामदा से उपस्थित हुए हमारे युवा मोर्चा के सम्मेलन में इसे मैं दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना समय दिए और बाकी जितने भी साथी हुए हैं सभी को मेरे ओर से धन्यवाद। अगर किसी तरह से बोलने में गलती हुई तो थोड़ा भाई समझ से माफ कर दीजिएगा। सब कोई जयरामदा के लिए मेहनत करेंगे ना, लोकसभा में हम लोग बोलिए करेंगे ना, जो नहीं उठाने लगता
है उनका मन का कुछ खोट है, उठाइए तो ना थोड़ा एक बार कि जयराम जी के लिए सब मेहनत करेंगे ना। चलिए जय जवान जोहार जवान भागवत धन्यवाद अकबर संतरी जी आपने।